कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। इस फैक्ट्री में कई साल पहले एक भयंकर हादसा हुआ था। इस हादसे में कई मजदूर जिंदा जलकर मर गए थे। उस रात का मंजर इतना खौफनाक था कि जो लोग उसे देखने वाले थे उनकी रूहें कांप उठी थीं। फैक्ट्री का मालिक एक लालची आदमी था जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मजदूरों को खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर करता था। उसे मजदूरों की जान की कोई परवाह नहीं थी और उसी लालच का नतीजा था वो हादसा जिसमें सैकड़ों मजदूर मारे गए थे। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुरानी और भूतहा फैक्ट्री की है जो आज से लगभग 50 साल पहले बंद कर दी गई थी। इस फैक्ट्री का नाम लेते ही गांव के लोग कांप उठते थे क्योंकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस फैक्ट्री के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रात को फैक्ट्री के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं और लोग कई बार काले सायों को फैक्ट्री के अंदर बाहर घूमते हुए देख चुके थे। हादसे के बाद गांव के लोगों का कहना था कि उन मरे हुए मजदूरों की आत्माएं उस फैक्ट्री में भटक रही हैं। लोग कहते थे कि वे आत्माएं अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए इंतजार कर रही हैं। इसलिए गांव के लोग उस फैक्ट्री से दूर ही रहते थे। यहां तक कि फैक्ट्री को गिराने की कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता कि काम रुक जाता। एक दिन अजय नाम का एक पत्रकार इस भूतहा फैक्ट्री की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंच गया। अजय एक जिज्ञासु व्यक्ति था और ऐसी रहस्यमयी कहानियों को सुलझाने का शौक रखता था। वह कैमरा, टॉर्च और अपने साहस के साथ रात में उस फैक्ट्री के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने फैक्ट्री में कदम रखा उसे चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब से निशान बने हुए थे। हवा में सड़ांध की गंध थी और वातावरण इतना भयानक था कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे अजय फैक्ट्री के अंदर गहराई में गया उसने एक औरत के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। अजय की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अब उसे वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसी वक्त उसने देखा कि एक काला साया उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह साया और करीब आया तो अजय ने उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग देखा। वो साया अजय के पास आकर एक गहरी आवाज में बोला, हमें न्याय चाहिए। यह सुनकर अजय बुरी तरह डर गया। उसकी टॉर्च भी बार बार झपकने लगी मानो कुछ अनहोनी का संकेत दे रही हो। अजय ने अपने कैमरे की स्क्रीन में देखा कि उसमें कुछ अजीब तस्वीरें अपने आप दिखने लगी थीं। तस्वीरों में वही मरे हुए मजदूरों के चेहरे थे जो किसी समय इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनके चेहरों पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अजय ने यह सब देखकर ठान लिया कि वह फैक्ट्री के इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसने फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में छुपी कुछ पुरानी फाइलें ढूंढनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक जर्जर आलमारी में कुछ कागजात मिले जिनमें उस हादसे का पूरा ब्यौरा था। उन फाइलों से उसे पता चला कि फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों को सुरक्षित माहौल देने की बजाय अपनी कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने मजदूरों को भूखा रखा और उन्हीं खतरनाक स्थितियों में वह हादसा हुआ। अजय को समझ आ गया कि उन आत्माओं का गुस्सा जायज था। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थीं। अजय ने वो फाइलें उठाईं और फैक्ट्री के उस कमरे में लौट आया जहां उसे वह साया मिला था। उसने साये को वह फाइलें दिखाईं और कहा, मैं इस अन्याय की कहानी सबके सामने लाऊंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। इतना सुनते ही वो साया धीरे धीरे गायब हो गया और फैक्ट्री में फैला डरावना माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगले दिन अजय ने उस कहानी को अखबार में छापा और उस भूतहा फैक्ट्री की सच्चाई सबके सामने लाई। फैक्ट्री के मालिक के ऊपर मुकदमा चला और उसे मजदूरों की मौत का दोषी ठहराया गया। अंततः उन आत्माओं को न्याय मिला और फैक्ट्री के आसपास का माहौल फिर से शांत हो गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात में उस फैक्ट्री के पास जाएं, तो आपको उन आत्माओं की हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है जो अब हमेशा के लिए वहां से आजाद हो चुकी हैं।